नमस्कार, मैं हूँ स्वाति रायना और ये है न्यूज 360 बुलेटिन की शुरुआत दो बड़े इवेंट से जुड़ी हुई खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री भी कल आम लोगों के साथ योग करते नजर आएंगे। इसके लिए पीएम लखनऊ पहुंच चुके हैं। पीएम 51,000 लोगों के साथ योगासन करेंगे। और दूसरा बड़ा इवेंट जो आप, हम और पूरे देश की तकदीर बदलने जा रहा है वो है जीएसटी। 30 जून आधी रात को जीएसटी रोल आउट होगा और इसके लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। तो पहली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। देश आजादी के बाद के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के लिए तैयार है। जीएसटी को लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 30 जून 2017 की आधी रात पूरी दुनिया देखेगी जश्न जीएसटी। संसद के सेंट्रल हॉल में यह खास कार्यक्रम होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 30 जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। चौदह अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के ऐलान के लिए संसद का विशेष समारोह रात 12 बजे बुलाया था और अब जीएसटी लॉन्च करने के लिए मोदी सरकार भी ऐसा ही भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है और जो जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं उन सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जितना बड़ा ये मौका है उतनी ही बड़ी है इसे यादगार बना देने की तैयारी। 30 जून की रात ठीक 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जीएसटी को लॉन्च करने का कार्यक्रम शुरू होगा। संसद के सेंट्रल हॉल में करीब एक घंटे तक ये समारोह चलेगा। समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, साथ ही जीएसटी को लेकर दो छोटी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल के सदस्य और काउंसिल की एम्पावर्ड कमेटी के सभी चेयरपर्सन, साथ ही दो पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से मंच पर मौजूद रहने की गुजारिश की गई है। कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा और दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पर रहें। 30 जून को शाम 7 बजे जीएसटी काउंसिल की बैठक भी होगी जिसमें अंतिम चरण की बातचीत होगी। सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने पर शुरुआती महीनों में भी रेवेन्यू ग्रोथ पर असर नहीं दिखेगा, यानी 30 जून के साथ ही ये हालिया टैक्स स्ट्रक्चर पुराने दिन की बात हो जाएगी और जीएसटी आने वाले कल का सच होगा। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। और वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी की तारीख को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की तैयारियों के लिए काफी वक्त दे दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा जो लोग जीएसटी के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। We have for the last 6 months been saying that the date is 1st July. Nobody had any business not to be ready. Even when we have finally announced that it is 1st of July, the readiness will be determined when you have to file your first return, which is 10th August. That also we have extended it to
15th September. So 2.5 months are available for him to get ready. And if he's still not ready, I'm afraid then he doesn't want to be ready. जीएसटी रोल आउट होने में 10 दिन का ही वक्त बाकी है, लेकिन इंडस्ट्री की दिक्कतें रह रहकर सामने आ ही जा रही हैं। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने अब सरकार से नई मांग रख दी है। एसोचैम का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन को जीएसटी से छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से रोड और रेलवे सेक्टर की कमाई लगातार घट रही है। एसोचैम का यह कहना है कि जिस तरह से सामानों की खरीद पर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक उसी तरह से मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए जो कि प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल खरीद रहा है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो चालू प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर्स की कमाई पर असर होगा। एसोचैम ने यह भी मांग की है कि जीएसटी में जीरो रेटिंग की वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को किसी अतिरिक्त टैक्स के बोझ से बचाया जा सके। वहीं जीएसटी के कुछ मुद्दों पर नीति आयोग ने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि जीएसटी से किसानों को नुकसान हो सकता है। आयोग का यह कहना है कि किसान बीज और फर्टिलाइजर पर टैक्स चुकाएंगे, लेकिन जो कुछ वो पैदा करेंगे वो टैक्स फ्री होगा। ऐसे में उन्हें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। वहीं एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि एविएशन सेक्टर 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा जीएसटी लागू करने को लेकर जो दिक्कत थी उसे सुलझा लिया गया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि जुलाई के पहले हफ्ते में नो फ्लाई लिस्ट भी आ जाएगी। The aviation sector is fully prepared for the rollout on July 1st. As you know, we had a meeting recently where we went through all of the issues. Many of the issues were clarified subsequent to that. And we are going to be soon having another meeting where we will be providing further details and making sure that all systems are go for the rollout. But as I've said earlier, we have been collaborating very closely and working with the Ministry of Finance to make sure that everybody is ready for the rollout of July 1 for GST. जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। जी बिजनेस ने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि एयर इंडिया की डेट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, और आज एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी कहा कि एयर इंडिया के भविष्य पर अब कैबिनेट को ही फैसला लेना है। एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप में एयर इंडिया के बारे में चर्चा पूरी हो चुकी है और उसके सुझावों पर अब कैबिनेट फैसला लेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। The aviation sector is fully prepared for the rollout on July 1st. As you know, we had a meeting recently where we went through all of the issues. Many of the issues were clarified subsequent to that. And we are going to be soon having another meeting where we will be providing further details and making sure that all systems are go for the rollout. But as I've said earlier, we have been collaborating very closely and working with the Ministry of Finance to make sure that everybody is ready for the rollout of July 1. The national no-fly list rules are currently being prepared, and we have already said that we will be issuing them in the first week of July. We've received very comprehensive and extensive feedback from many, many stakeholders, so we are looking through all of that. Obviously, the process is underway right now, and as we have said many times, we are going through the analysis process, and those recommendations are in front of the cabinet right now, and the cabinet will take the process forward. और बड़े बिल्डर्स जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनको लेकर बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 102 डिफॉल्टर बिल्डर्स की एक लिस्ट जारी की है। इनमें आम्रपाली, ओमैक्स, एटीएस, सुपरटेक, निराला, शुभकामना, बिल्डवेल और पार्श्वनाथ डेवलपर्स जैसे बिल्डर्स के नाम शामिल हैं। इन बिल्डर्स ने अथॉरिटी को पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यह लिस्ट
प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत जारी की है और सूत्रों का यह कहना है कि इन बिल्डर्स को रीशेड्यूल के लिए अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। रीशेड्यूलिंग के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एक नई लिस्ट जारी करेगी और सूत्रों का यह कहना है कि पेमेंट होने पर बिल्डर के नाम अथॉरिटी की डिफॉल्टर लिस्ट से हटाया भी जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो बिल्डर रीशेड्यूल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे अथॉरिटी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। मेरे सहयोगी गौरव खोसला से इस पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। गौरव, 102 डिफॉल्टर्स की इस लिस्ट के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जिस तरह से आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने डिफॉल्टर जो बिल्डर्स की लिस्ट जारी की है, लगभग 1280 करोड़ रुपया है जो बिल्डर्स ने देना है अथॉरिटी का। देखिए, अथॉरिटी भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो पैसा है वो अथॉरिटी के पास आए और बिल्डर्स भी जो रीशेड्यूल का उन्होंने आवेदन किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, इसमें अथॉरिटी ने साफ तरीके से कहा है कि अगर 25% आप पेमेंट जमा करते हो तो आपकी जो पेमेंट है रीशेड्यूल की जाएगी। उसके बाद इसका सीधा फायदा जो है वो होम बायर्स को मिलेगा। लगभग 30,000 जो होम बायर्स है उनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसमें देखिए, बिल्डर कई तरह के हैं, जिसमें 55 बिल्डरों ने आवेदन भी किया है और इसके अलावा कई बिल्डर चाहते हैं कि उनकी जो पेमेंट है उनको रीशेड्यूल किया जाए। कई बिल्डर चाहते हैं कि उनको जहां अभी तक काम नहीं शुरू हुआ उसके लिए को डेवलपर लाया जाए। तो यानी बिल्डर भी कई तरह के हैं जिन्होंने इस चीज के लिए आवेदन किया है और आने वाले समय में अगर जो बिल्डर रह जाते हैं, यानी अगर इस जो प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत अगर कार्रवाई नहीं की जाती या उसके तहत अगर बिल्डर आवेदन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी जो बिल्डर इसके तहत रीशेड्यूल करवाएंगे उसका सीधा फायदा होम बायर्स को मिलेगा, बिल्डर्स को भी फायदा मिलेगा और इसके अलावा अथॉरिटी के पास भी पैसे आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे आपकी राजधानी दिल्ली में खुद की एक स्मॉल स्मार्ट सिटी होगी। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर दिल्ली के घिटौरनी में स्मॉल स्मार्ट सिटी आने वाली है और स्मॉल स्मार्ट सिटी को CPWD और NBCC मिलकर डेवलप करेंगे। 240 एकड़ में बनने वाली स्मॉल स्मार्ट सिटी जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा और ये यहाँ पर स्मार्ट सिटी की सभी खूबियां मौजूद होंगी। ये शहर पूरी तरह से वाईफाई से लैस होगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ इसमें वर्ल्ड क्लास होगा। सूत्रों का कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जल्द ही इस स्मॉल सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल सकती है। इस ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी पर करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। साथ ही इस स्मार्ट सिटी पर सरकार कोई खर्च नहीं करेगी, पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ही बनेगा और शहर में करीब 6,500 घर बनेंगे जिन्हें जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन स्कीम के तहत बनाया जाएगा। ये भी बताएं, CPWD और NBCC इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल स्पेस भी डेवलप करेंगे ताकि इसके जरिए प्रोजेक्ट की लागत भी निकाली जा सके। वहीं 5 साल के अंदर इस स्मार्ट सिटी को डेवलप करने की भी योजना है। वहीं अब दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को क्रेडिट या डेबिट कार्ड से रिचार्ज आप करा सकेंगे। क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर टोकन वेंडिंग मशीन से रिचार्ज कराया जा सकेगा और इस सुविधा की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के MD डॉक्टर मंगू सिंह ने लाल किला मेट्रो स्टेशन पर किया। दिल्ली मेट्रो पहली मेट्रो है जिसने इस सुविधा को लॉन्च किया है। इसमें पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीन के लिए किसी भी कर्मचारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के पिन ऑथेंटिकेशन के साथ ही आप इसको रिचार्ज करा पाएंगे। फिलहाल स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की सुविधा लाल किला मेट्रो स्टेशन के 6 TVM या फिर टोकन वेंडिंग मशीन और 2 RCTM यानी कि रिचार्ज कार्ड टर्मिनल्स पर ही उपलब्ध होगी। उसके बाद इसको एक्सपैंड किया जाएगा। ITO से कश्मीरी गेट सेक्शन पर 36 ऐसे मशीन लगाए जाएंगे और साल के अंत तक दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क में करीब 400 ऐसे सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाएगा और अगले साल तक 500 और सिस्टम्स को इंस्टॉल करने का प्लान बनाया गया है। अब मुंबई से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। मुंबई में अब ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। काली पीली टैक्सी यूनियन ने आपला ड्राइव नाम से एक ऐप बनाया है। 29 जून से काली पीली टैक्सी के लिए एप्लीकेशन शुरू होगा। ओला उबर की तर्ज पर ही आपला ड्राइव एप्लीकेशन ये होगा। दावा ये किया जा रहा है कि आपला ड्राइव में सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी जो कि आमतौर पर आपको उबर या फिर ओला में दिखाई देती है। सिर्फ कस्टमर को 5 रुपए ही अतिरिक्त देने होंगे। इसमें छोटे या फिर बड़े किराए को लेकर कोई फर्क नहीं किया जाएगा और ऐप के जरिए AC और नॉन AC काली पीली टैक्सी भी आप
बुक करा पाएंगे। काली पीली जो टैक्सीज हैं वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। काली पीली टैक्सीज ने अपना नया जो ऐप है वो तैयार कर दिया है, आमची ड्राइव ऐप तैयार कर दिया ये, और ये 29 जून से ये लाइव हो जाएगा। इसके क्या और फीचर्स रहेंगे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है काली पीली टैक्सी यूनियन के एल क्वाड्रोस सर। सर सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा, क्या ये जो ऐप आप लेके आए हैं आमची ड्राइव, इससे आप जो कैब एग्रीगेटर्स हैं ओला उबर उनको कहीं ना कहीं आप कंपटीशन दे पाएंगे? ये जो है पहला बार ऐसा ये है कि जो इसका पहला ओला उबेर वगैरह जो लोगों ने जो बहुत से 2-3 सालों से उसका जो साथ सर्विस ले लिया, फिर उसका प्राइस सर्जिंग जो होती थी सुबह एक जैसा स्टॉक मार्केट का पास जैसा दिन में 2-3 बार उसका जो रेट अप ऊपर नीचे जाता था, प्राइस सर्जिंग था। और ये लोग भी उसमें बहुत से ये जो कहा परेशान हो गए, टैक्सी वाले भी परेशान थे और पब्लिक भी परेशान हो गए इसमें, कारण उनका जो रेट जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट होने से उनको एक फिक्स रेट का जो एक चाहिए था, जैसे काली पीली आज जो है फिक्स रेट में चल रहा है, गवर्नमेंट का रेट में चल रहा है। इसके लिए हम लोग ने ये जो ऐप जो है हम लोग जो तैयार किया है और ये लॉन्च करा, इसमें एक ये पहला ये है कि इसका रेट जो है गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया रेट में रहेगा, और ये दूसरा ऑप्शन रहेगा इसमें आपको काली नॉन एसी और एसी, इसमें दो कौन से भी ऑप्शन आपको मिलेगा, जो एसी अगर हो तो भी उसका जो रेट जो है गवर्नमेंट का फिक्स किया रेट में ही रहेगा, और इसमें रिफ्यूज़ वगैरह बाड़ा रिफ्यूज़ का वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। वही टाटा ग्रुप का मुंबई का मशहूर होटल ताज होटल अब ट्रेडमार्क बन गया है। इसके तस्वीर का इस्तेमाल बिना इजाजत नहीं किया जा सकता। कंपनी ने होटल की तस्वीर को बतौर ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया है। मुंबई का ये दी ताज महल पैलेस होटल शहर का मशहूर लैंडमार्क होने के साथ साथ अब ट्रेडमार्क भी बन गया है। होटल को चलाने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स ने इसकी तस्वीर का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कोई भी होटल की इस तस्वीर को बिना इंडियन होटल की मंजूरी के व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। देश में ट्रेडमार्क कानून 1999 में बना, लेकिन आर्किटेक्चरल इमेज का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पहली बार हुआ। सोच ये थी कि इतना यूनिक एक होटल ही नहीं बट ये एक मॉन्यूमेंट की तरह एक ये बिल्डिंग है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी एक म्यूजियम से कम नहीं है, तो इसको एक ट्रेडमार्क की ओहदा और एक अहमियत देना बहुत ज़रूरी समझा कंपनी ने। दी ताज महल पैलेस होटल को 16 दिसंबर 1903 में खोला गया था, तब गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं बना था। होटल को टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा ने बनवाया था। कंपनी ने इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए बीते साल अक्टूबर में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के पास अर्जी दी थी। अर्जी को रिकॉर्ड 7 महीने में मंजूरी मिल गई। दिस एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड इन मई 2017, दैट इज जस्ट अराउंड 2 डेज लेस देन 7 मंथ्स। सो नाउ इंडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज एक्चुअली डूइंग रजिस्ट्रेशन वर्क कंप्लीटली इन रिस्पेक्ट टू दोज एप्लीकेशंस where there's no objection or opposition is there within that minimum stipulated time between 6 and 7 months. दुनिया में कई और लैंडमार्क्स जैसे आईफिल टावर, न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और सिडनी ओपेरा जैसे स्ट्रक्चर्स का ट्रेडमार्क किया जा चुका है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं, और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री H-1B वीजा का मुद्दा उठा सकते हैं। 25 और 26 जून को पीएम मोदी का अमेरिका दौरा है। इस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम की H-1B वीजा पर बात होने की उम्मीद है। कॉमर्स सेक्रेटरी रीता तेवतिया ने कहा कि बैठक में होने वाली चर्चा के सभी मुद्दों का भी खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन H-1B का मुद्दा उठेगा तो उस पर चर्चा भी होगी। I cannot say what would be the issues that would come up in the discussion. This is one of the issues on the table. It's not the only issue, but in the event that the issue comes up, it would certainly be taken up. मार्केट रेगुलेटर सेबी की कल होने वाली बोर्ड बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में डिस्ट्रेस्ड एसेट की खरीद के
लिए नियमों में ढील देने पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बोर्ड बैठक में 5,600 करोड़ रुपए के एनएससीएल घोटाले में शामिल ब्रोकर्स के खिलाफ अब तक की कार्रवाई पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में कॉरपोरेट गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए नियमों में बदलाव की चर्चा होने वाली है और कल की बैठक में आईपीओ की लिस्टिंग के लिए समय सीमा घटाने पर भी विचार हो सकता है। लिस्टिंग के टाइम को 6 दिन से घटाकर 4 दिन करने पर विचार हो सकता है। शेयर मार्केट की यहां पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ ही क्या तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, इस पर चर्चा करेंगे न्यूज 360 में थोड़ी सी देर में। तुरंत लौटते हैं।